लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए पंडित की बेटी, मेरा नाम शीतल है। शीतल हो या पीतल, है तो तू पंडित की बेटी ही ना। काम क्या है बोल। अपने बापू से कह दे कि पढ़ दे मंत्र और करवा दे मेरा ब्याह। किससे? भारत से। बेशरम कहीं की, नाम लेती है? ले, मैं कोई उसकी होने वाली जोरू हूँ क्या जो उसका नाम लेने से शर्माऊं? हाँ, शर्म तो मुझे ही आनी चाहिए, जो कि शर्म के मारे आज तक उससे कुछ भी नहीं कह सकी। तो मैं कह दूं, भारत, सुरीली के मन को तुम्हारी प्यार की अग्नि ने घेर रखा है। तो हम बुझा देते हैं अग्नि। कौन हो तुम? नाम दरमियान सिंह, काम आग बुझाना। जय राम जी की। जय राम जी की। सरकार जाओ, तुम सिपाही अपने के हुकुम। डाकू ने हमारी क्या हालत बना दी, हमारे सारे आदमियों को मार डाला। हम उन्हें गोली से उड़ा देंगे। कहाँ है वो? गोली चलाने के लिए ताकत है आपके हाथ में? लग गई गोली। इससे पहले कि ये मर जाए, पूछो इससे कि असली डाकू कौन है। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। हमारी आदत है कि दूसरों को अच्छी आदत सिखाएं। भाग गया आपका पालतू कुत्ता। तमीज से बात करो। हमारे कब्जे में रहोगी ना तो तमीज भी सीख जाओगी। वो राजकुमारी जी का है। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है। राजकुमारी राजमहल पहुंचेगी, लेकिन वो राजकुमारी सुरीली होगी। सुरीली, तुम तैयार हो जाओ। मैं? चिंता की कोई बात नहीं। हाँ तो राजमहल में तुम्हें कोई पहचानता है?
और ना ही मीनाक्षी देवी को कोई जानता है। ये ताजा ताजा इंग्लिस्तान से आई है। मगर मेरा मतलब है शहजादी साहिबा के तौर तरीके। तौर तरीके? बदतमीजी से बात करो, इंसान को इंसान मत समझो, तो अपने आप मीनाक्षी देवी बन जाओगी। युवराज, ये लकड़ी के घोड़े पर? लकड़ी का घोड़ा नहीं, बाइसिकल। लंदन से हमारे लिए खास तोहफा भेजा गया। दरबान, कौन आया है? आया? आए को आया किस गधे के बच्चे ने कहा? कौन हो तुम? राजकुमारी मीनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गधे का बाप है। राजकुमारी जी, आपका गुस्सा बजा है। हमारा गुस्सा कोई चौराहे का घंटाघर नहीं, जो बजा है, समझे? ये तो बड़ी बदतमीज है भाई जी। यदि शादी के बाद इनकी रियासत अपनी है, उसके बाद इसे तमीज हम सिखा देंगे। तब तक ये जूते भी मारे ना, उसे बर्दाश्त करते रहो। अरे जाओ जाओ, स्वागत करो। हमेशा की तरह मार खाओगी। मैं हमेशा की तरह मार खाकर बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मरूंगी नहीं। तलवारी काफी है। सरदार सरदार, इन गोरों के दिल का रंग जो काला है ना, हमने इनके मुंह पर लगा दिया। ले जाओ इस दरिंदे को और फेंक दो राजमहल के दरवाजे पे, ताकि ये अपने बाप दादा को बता सके कि आइंदा अगर किसी हिंदुस्तानी पे जुल्म हुआ तो फिर ये तलवार। तुझे अगर कुछ हो जाता तो? तो तुम्हारी मां जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देती मैं उसे? और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बेटा जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देता मैं उसे? बेटे सरदार, अब चलो। अच्छा तो चलो। सुनो बेटे, तूने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम, मेरा काम क्रांति है, क्रांति। यही है वो गुलाम औरत राधा, जो क्रांति के बारे में सब कुछ जानती है। कहां रहता है क्रांति? कहां है उसका ठिकाना? आज से उसका ठिकाना इस मां का दिल है, आत्मा है। हम तुम्हारी आत्मा झंझोड़ सकते हैं,
तोड़ तो नहीं सकते। बुढ़िया बोलो बेटे। उठाओ हाथ, मारो तुम भी हंटर। ये माँ है, देवी माँ, पाप से पलने वाली महलों की राजकुमारी नहीं। हम राजकुमारी मीनाक्षी देवी हैं। भोजन। मीनाक्षी देवी कोई जानवर नहीं जो ये टुकड़े खाए। ले जाओ और फेंक दो अपने सरदार के सामने। जो लोग अनाज का अनादर करें वो इस लायक नहीं होते कि उन्हें जानवरों का बचा हुआ खाना भी दिया जाए। हम पूछते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो? हीरे जवाहरात? ये लो ये लो ये लो। भारत भैया, कोई खबर? सुरीली ने महल से खबर भिजवाई है कि देश के अनमोल हीरे मोती जवाहरात और देवी देवताओं की सदियों पुरानी मूर्तियां एक बहुत बड़े जहाज पर लाद दी जाएंगी। लाद दी जाएंगी, और वो जहाज उन अनमोल चीजों को लेकर हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान चला जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दिन एक जहाज हमारे देश से हमारा कोहिनूर हीरा ले गया था। तुम लोग तैयारी करो। जी। मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी कामयाब हो जाओ तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो सामान? कौन ले जाएगा वो हीरे जवाहरात? एक चोर, एक डाकू, लुटेरा? हम पूछते हैं वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? ये क्रांति, ये इंकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती है। अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना तो मेरे साथ ऊपर चलो। ये हमारा शोमो मलमल बनाया करता था, ढाके की मलमल, जिसका पूरा का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाया करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसके साथ ये जुल्म किया। राजकुमारी, ये हाथ सिर्फ शोमू के नहीं कटे बल्कि हिंदुस्तान की कला के कटे हैं। ये किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। बाढ़ आई, फसल तबाह हो गई, लगान नहीं चुका सका। ये लगान की माफी के लिए एक मामूली से अंग्रेज अफसर के पास गया तो वही हुआ जो अंग्रेज करते हैं। किसान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाल दी गईं और इसे अंधा कर दिया गया। औरत अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अपने पति की चिता के साथ जल के सती होना चाहती थी। फिर कि अंग्रेजों ने इसे चिता से उठा लिया और उस रात ना जाने कितने अंग्रेज सिपाहियों ने इस औरत की इज्जत को लूटा और पागल हो गई। इतना जुल्म हुआ इस देश में, इस देश के लोगों पर, और हमें कुछ भी नहीं मालूम। तरस आता है आप लोगों पर, आप लोगों की आत्मा की ओढ़नी, भावनाओं की चुनर बिल्कुल दागदार हो चुकी है। हम तैयार हैं। अच्छा तो राजकुमारी मीनाक्षी देवी, डाकू चले डाका डाल लें, क्योंकि हर दागदार चुनर को धानी करने के लिए तन मन धन सभी की जरूरत होती है।